लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम लोगों का पहला काम है प्रताप के खिलाफ कोर्ट से रिमांड हासिल करना। राइट सर। जय हिंद सर। प्रताप को अरेस्ट क्यों किया तुमने? सर, उसने हम लोगों पर जानलेवा हमला करवाया था। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सर, जब अब मुजरिम अरेस्ट हो गए हैं तो सबूत और गवाह भी मिल जाएंगे। मिस्टर रमन, आपसे पहले ही कहा था कि ऐसे लोगों से मत उलझिए जिनका हम सब मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माना कि आप डीजीपी साहब के खास हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी करेंगे। अगर मनमानी करता तो अब तक कोई और केस हैंडल कर रहा होता सर। मगर मैं चाहता हूँ कि आपका भी सिस्टम बना रहे और लोगों का सिस्टम पर भी विश्वास बना रहे। मैं बहस करने नहीं आया, उन दोनों को छोड़ दो। दिस इज माई ऑर्डर। ओके सर, क्या आप यही लिख कर दे सकते हैं? What you want to prove? I am just following the system, sir. आप भी जानते हैं सर, जब चार्जशीट तैयार हो जाती है तो मुजरिम की रिहाई या तो स्पेशल ऑर्डर पर होती है या फिर जमानत पर। You are crossing your limit. मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मेरे ऑर्डर्स मानना तुम्हारी ड्यूटी है। वही तो कर रहा हूँ सर, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उसे फर्जी नहीं बनाना चाहता। जब मीडिया और पब्लिक सवाल पूछेगी कि अगर किसी को इस तरह से रिहा ही करना था तो फिर अरेस्ट क्यों किया गया? सॉरी सर, आई कांट टेक एनी रिस्क। रिस्क तो तुम ले चुके हो मिस्टर अपन, बस देखना यह है कि कितने दूर तक कैरी करते हो। दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। ये तो सरासर धमकी है सर। अभी तो ये शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होना है, मगर हमें डरना नहीं है। यस सर। यस सर। देवराज साहब है। साहब नहीं, मुजरिम है ये। कानून और लोगों की जिंदगी का सौदा करना इसका धंधा है। एसपी, सब कुछ जानने के बाद भी तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे को गिरफ्तार करने की? एसपी, तेरी जो ये वर्दी है ना, दो मिनट में उतरवा दूंगा। तू जानता नहीं है देवराज की पहुंच दिल्ली तक है, दिल्ली तक, समझ गया? मेरी पहुंच मुजरिमों को मुर्दा घर तक पहुँचाने की है देवराज। तू और तेरे बेटे की तो औकात ही क्या है? औकात की बात मत कर। तेरे जैसे ऑफिसर मेरी जेब में रुमाल की तरह पड़े रहते हैं। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत कर, वरना। साहब देखो ना, अब पैट की नहीं करती देवराज ने, तेरी हो पावर ऑफ पर्ती देख के। एसपी, इस पर्ती के कमंड में है ना तू, इस वर्दी ने उतार के सड़क पे नंगा करके दौड़ाऊंगा तुझे मैं, नंगा करके कुत्ता बना दूंगा तेरा मैं, समझ गया? देवराज और सांप कभी दुश्मनी ना भूलने करते, समझ लेगी तेरी उल्टी गिनती आज से शुरू। तेरे खानदान के हर उस चिराग ने बुझा दूंगा मैं, जिससे तू रोशनी की तलक भी उम्मीद करे। गया तू, गया, समझ ले। देवराज, मुझे देखने से पहले तू अपने आप को संभाल, और वो काम मुझे मजबूर मत कर करने पर जिससे मैं करना नहीं चाहता। निकल जा, भलाई है तेरी इसी में। हाँ, अभी तो जा, निकल, चलो रे।
सर, इसको आपने बड़ी आसानी से जाने दिया, इसको तो हम यहीं खत्म कर सकते थे। खत्म तो इसे करना है, लेकिन जगह इसकी होगी और वक्त हमारा। ये बात आज समझ आई सर, आपको डीजीपी साहब ने क्यों अपॉइंट किया। लेट्स मूव। तुमने क्या समझ रखा था देवराज, मैं कोई मामूली सा मुलाजिम या चपरासी हूँ? एसपी हूँ इस शहर का मैं, एसपी अमन खान। कानून और जुर्म के बीच की वो मजबूत दीवार जिसे कोई भी रिश्ता नहीं तोड़ सकता। देवराज, शिकारी कुत्ते भले ही झुंड में खतरनाक होते हैं, मगर वो शेर का शिकार करने की हिमाकत नहीं करते। मैं चाहूं तो तुझे भी तेरे बेटे के साथ हवालात के पीछे डाल सकता हूं, या फिर पुलिस स्टेशन पर हमला करने के जुर्म में तेरा एनकाउंटर कर सकता हूं। मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि तुझे सबक सिखाना है कि हर वर्दी वाला तेरी जेब का रुमाल नहीं। एसपी, अगर मैंने भी तेरी वर्दी के चिथड़े ना उड़ा दिए ना, तो मेरा नाम भी देवराज ना। महक, कहाँ से आ रही हो? नेहा के यहाँ थी। महक। हाँ दीदी, बोलिए। झूठ मत बोलो, नेहा अभी अभी तुम्हारा इंतजार करके यहाँ से गई है। और तुम मेरा दुख बांटने आई हो या बढ़ाने आई हो? जरा सा लेट आने में कौन सा दुखों का पहाड़ टूट गया दीदी? महक, मुझे तुम्हारे देर से आने से प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हारे देर से आने की वजह से प्रॉब्लम है, और नेहा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। साफ साफ सुनना चाहती हो तो सुनो। पुलिस वालों से मैं कल भी नफरत करती थी और आज भी करती हूँ। आज इस शहर का हर आम आदमी अमन को प्यार करने लगा है, लेकिन तुम हो कि आज भी इन पुलिस वालों को ही जीजा जी की मौत की वजह मानती हो। तुम लाख सफाई दे दो, पर मैं अपनी बर्बादी की वजह इन पुलिस वालों को ही मानती हूँ। एक बात बोलू दीदी, जब ये हादसा हुआ था तो अमन इस शहर में आए भी नहीं थे। महक, तुझे प्यार करने के लिए और कोई नहीं मिला, ये पुलिस वाला ही क्यों? और सुन, मेरी इजाजत के बिना तू घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगी। चल अंदर, अंदर चल। दीदी सुनो तो। भाई जी, भाई जी, भाई जी, बताइए दिमाग कहाँ इस्तेमाल करना है? मेरा शातिर दिमाग आएं बाएं दाएं ऊपर नीचे कहाँ इस्तेमाल करना है? देख भाई आरडीएक्स, मैं जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दे। बोलिए बोलिए बोलिए। तुम्हें बता के एसपी अमन खान की गिरफ्त से मेरा बेटा कैसे छूट सका है? मुझे वो आइडिया बता जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि
मैं खून खराबा करने के मूड में ना हूं इस टाइम। भाई जी, अमन खान से भिड़ने की सलाह तो हम आपको कतई नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी बहादुरी के किस्से तो सबने सुने हैं, मैंने तो बहुत ज्यादा ही सुने हैं। शेर है शेर वो, और शेर के पंजे से कोई बच नहीं सकता। फिर भी कुछ तो सोचना पड़ेगा आपके लिए। और मेरी भी इज्जत का सवाल है, शातिर दिमाग वाला इंसान हूँ मैं। बैठिए आप, बैठिए बैठिए, मैं कुछ आइडिया निकालता हूँ। आइडिया? अरे तू पागल हो गया, ये कौन सा आइडिया जो मेरे सिर पे चढ़ के बतावेगा? सिर में भेजा होगा तब बताऊंगा ना। मेंटल घंटा। कम हियर योर कान। अरे कान लाओ। समझो काम हो गया। समझ गया? जी भाई जी। अटेंशन। आइडिया अच्छा है ना? एसपी अमन खान, इतनी आसानी से तो तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। शेख साहब, शेख साहब। यस सर। इस शहर के थाने, पुलिस स्टेशन, चौकियों की जो लिस्ट बनाने के लिए आपको कहा था, क्या आपने तैयार की? आई एम सॉरी सर, कल तक सारा काम पूरा हो जाएगा सर। कोई भी काम जिम्मेदारी से नहीं करते। सॉरी सर। ओके ठीक है, ध्यान रखो। और मिस्टर हैरी सर, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और दारू की भट्टियों की जो लिस्ट बनाने के लिए आपको कहा था, उसका क्या? सब रेडी है सर। ओके नाइस, थैंक यू सर। वन मिनट। हाँ मुश्ताक बोलो। सर आप जल्दी से लोहिया नगर पार्क में आ जाओ। क्यों? सर यहाँ पे बहुत गड़बड़ है। तो भाई फोन पे बता दो ना। नहीं सर, फोन पे नहीं बता सकते। सर प्लीज जल्दी आ जाइए ना। सर यहाँ पे कुछ लोगों की जान को खतरा है। ओके तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। ठीक है सर। हम लोगों को अभी लोहिया नगर जाना है। ओके सर। ओके मूव। अब मैंने आपका काम कर दिया सर, अब मैं जाने दो सर। हाँ तूने मेरा तो काम कर दिया है। हाँ सर। अब मुझे भी तेरा काम करना है ना। मार दिया मुश्ताक को। ओह माय गॉड। सर लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है सर। आई नो। पास के पुलिस स्टेशन में जल्दी से इन्फॉर्म करो। ओके सर। ओके बोलो कि इसकी लाश को जल्दी से पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएं, और हमें यहां से निकलना पड़ेगा।
ऑफिसर, कल रात थाने में जो हुआ उसे आप क्या कहेंगे? डिपार्टमेंट की कमजोरी या फिर गुंडों की ताकत का नतीजा? इट वॉज जस्ट ए ह्यूमन एरर। सर, इसे डिपार्टमेंट की कमजोरी भी कही जा सकती है, क्योंकि हमले के वक्त थाने में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। बिल्कुल सच है। देखिए, मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ, और ये मत भूलिए कि अगर एक तरफ एक मुजरिम की सिक्योरिटी का सवाल था तो दूसरी तरफ कई लोगों की जिंदगी का सवाल था। सर, वो... और हमारा संविधान कहता है कि आम लोगों की जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, ये हादसा आपके पुलिस स्टेशन में हुआ है, और देखा सुना ये गया है आपकी प्लानिंग अभी तक फेल नहीं हुई है। सर, लेकिन पुलिस प्रशासन के होते हुए इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? मैं मानता हूँ कि ये चूक हुई है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि जिसे नेशनल इशू बना दिया जाए। सर, अब आप उन तमाम फरार मुजरिमों के बारे में क्या एक्शन लेंगे? एक्शन तो रुका ही नहीं, लेने का तो सवाल ही नहीं होता। भाई जी, ये देखो क्या कह रहा है ये एसपी। के कहन लग रहा है यो? और इस केस में एक नया मोड़ और है। जिन लोगों ने उस हत्यारे प्रताप की मदद की है, अब हमारी नजर में वो भी मुजरिम है, जिन्हें माफ नहीं किया जाएगा। That's it. Thank you, sir. Thank you, sir. अब यूएसपी कानून में पॉलिटिक्स की चाल चल रहा है, लेकिन इस एसपी ने यो पता नहीं है कि मैं रात दिन पॉलिटिक्स के धुरंधरों के बीच में बैठू हूँ। भाई जी, आप कहें तो इस एसपी को पुराने एसपी के पास पहुंचा देता हूँ, सारा खेल ही खत्म। अरे ना ना, खेल खत्म नहीं करना इसका, खेल खत्म नहीं करना, खेल तो इसे खिलावेगा देवराज, खेल खिलावेगा देवराज। जब से यो आया है ना, शहर के सारे पुलिस वालों के सर पे फर्ज का जुनून सवार हो गया है, और अपने यार दोस्त भी अब तो मुंह छिपाते फिरे हैं, और वो दिल्ली में बैठा ईमानदारी का पुतला मंत्री मेरे खिलाफ मौके की तलाश में बैठे हैं। बस एक बार इलेक्शन जीत जान ले मुझे, एक एक को देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। लेकिन भाई जी, आपको लगता है इस एसपी के होते हुए इतना आसान है? पाए लागू बापू, जीता इसका इलाज भी सोच लिया मैंने बापू। के सोच लिया इसका इलाज? हद से ज्यादा इज्जतदार और ईमानदार इंसान के मुंह पर बदनामी का एक छींटा भी लग जाए तो बहुत से सवाल खड़े कर देता है, और अगर वो पॉलिटिशियन या पुलिस वाला हो तो मीडिया तिल का ताड़ बना देती है बापू। बात तो यो सही कह रहा है, लेकिन ये होएगा कैसे? है मेरे पास एक ऐसा हथियार बापू, है मेरे पास।